पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से सियासी माहौल बेहद गर्म और तीखा होता जा रहा है। प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे पर तीखी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत इसी महीने मतदान होने हैं। मतदान की तारीख आने से पहले हर पार्टी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया है। दरअसल विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद से अखिलेश कांग्रेस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस पर हमले किए और कहा, यहाँ राशन में कुछ नहीं मिल रहा है। अगर राशन में कुछ नहीं मिल रहा है तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, कांग्रेस को भी वोट मत दीजिएगा, वो भी बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस से सावधान रहोगे या नहीं रहोगे? अखिलेश यादव ने आगे बिना किसी नेता का नाम लिए कहा, बंसल दुखी है कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया। जब हमें धोखा दिया तो आपकी क्या बात? बंसल दुखी है, कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें पहचाना ही नहीं। जिनकी उम्र 80 साल हो गई हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि जिनकी उम्र 80 साल होगी वो कभी कभी नहीं पहचानेंगे। ये गलती हमारी है कि हमने 80 साल के लोगों पर भरोसा कर लिया कि वे हमें पहचानेंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना ऐसे लोगों से। अखिलेश यादव ने साथ ही आरोप लगाए कि कांग्रेस वोट के लिए जाति जनगणना कराना चाहती है। सपा प्रमुख ने कहा कि हम यहाँ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरू से ही काम करते रहेंगे, हमें भरोसा बुजुर्गों पर है, नौजवानों पर भी है, नौजवान हमारी मदद करेंगे क्योंकि इनका और हमारा साथ रहेगा। कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है। कांग्रेस जाति जनगणना इसलिए कराना चाहती है क्योंकि इसका जो वोट है वो बीजेपी में चला गया है, वो वोट के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी लोग हक दिलाने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।